गरिमा, स्वामित्व, निष्ठा और साहस का प्रतीक तथा भारतीय जनता पार्टी की सबसे तेज तर्रार नेताओं में से एक थी सुषमा स्वराज। इनका जन्म 14 फरवरी 1952 को हरियाणा राज्य की अंबाला छावनी में हुआ था। इनके पिता का नाम हरदेव शर्मा और माता का नाम लक्ष्मी देवी था। विवाह पूर्वी ये सुषमा शर्मा थी। इन्होंने अंबाला के सनातन धर्म कॉलेज से संस्कृत तथा राजनीतिक विज्ञान से स्नातक किया। सुषमा जी ने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से कानून की डिग्री ली। इन्होंने 3 साल तक लगातार SD कॉलेज छावनी की NCC में भाग लेकर सर्वश्रेष्ठ कैडेट होने का पुरस्कार जीता और 3 साल तक राज्य की श्रेष्ठ वक्ता भी चुनी गई। सुषमा जी ने अपने छात्र जीवन में कई सर्वश्रेष्ठ वक्ता के पुरस्कार भी जीते। 1973 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता के पद पर ये कार्य करने लगी। सुषमा जी का विवाह स्वराज कौशल के साथ 13 जुलाई 1974 को हुआ, जो सर्वोच्च न्यायालय में उनके सहकर्मी और साथ ही अधिवक्ता थे। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद इन्होंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1975 में आपातकाल का पुरजोर विरोध करने के बाद वे सक्रिय राजनीति से जुड़ गईं। इसके बाद सुषमा जी हरियाणा की राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में देश की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री के तौर पर साल 1977 में शामिल हुई। उस समय सुषमा स्वराज जी की उम्र मात्र 25 वर्ष की थी। सुषमा स्वराज को साल 1979 में 27 साल की उम्र में हरियाणा राज्य में जनता पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। 1979 में सुषमा स्वराज जी हरियाणा की पहली महिला पार्टी प्रमुख बनी थी। भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद 90 के दशक में सुषमा स्वराज जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। इसके बाद एक बार फिर 1987 से 1990 तक वे अंबाला छावनी से विधानसभा सदस्य रही और भाजपा लोकदल संयुक्त सरकार में शिक्षा मंत्री भी रही। 6 अगस्त 2019 को यानी कि आज के दिन सुषमा स्वराज जी का निधन हो गया। 67 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका निधन हो गया था। पिछले काफी समय से वे अस्वस्थ चल रही थी और सीने में दर्द की शिकायत के कारण उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। उनका ऐसे चले जाना देश के लिए एक बड़ी हार थी। उनकी खूबियां आम जनता के लिए एक सीख है, अपनी बात को बेबाक तरीके से बताने के लिए। आइए उनकी खूबियों के बारे में कुछ जानते हैं। सुषमा जी विदेश मंत्री रहते हुए आम जनता के काफी करीब थी और काफी काम आती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, आम आदमी के साथ साथ इन्होंने सेलिब्रिटीज की भी काफी मदद की। जब एक्ट्रेस श्रीदेवी का निधन दुबई के होटल में हुआ तो उस वक्त उनके पार्थिव शरीर को भारत लाने में सुषमा स्वराज जी ने अपनी सूझबूझ का प्रयोग किया। सुषमा स्वराज जी ने एक बार कहा था कि बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भी बातचीत से हो सकता है, इसलिए संवाद जरूरी है। सुषमा जी ने अपनी भाषण शैली के चलते लोगों के बीच काफी प्रसिद्धि पाई। इसी शैली के कारण वे लोगों का मन बड़ी आसानी से जीत लिया करती थी और यही कारण है कि एक भाषण उनका अभी तक बहुत प्रसिद्ध रहा है। ये संसद में दिया गया उनका सबसे शक्तिशाली भाषण माना जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था, हाँ हम सांप्रदायिक हैं। और इसके बाद भारत में उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। वो एक सच्ची और पक्की देशभक्त थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सुषमा जी के निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा कि भारतीय राजनीति के एक गौरवपूर्ण अध्याय का अंत हो गया। गरीबों और समाज के लिए जीवन देने वाली अद्वितीय नेता के निधन पर पूरा भारत दुखी है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि सुषमा जी शायद ही कभी बड़े मौकों पर लोगों को बधाई देने से चूकती थी। साथ ही अपनी जनता की परेशानी को सुनने के लिए सोशल मीडिया को एक बड़ा और अहम जरिया भी मानती थी। कहते हैं चाहे कितनी भी परेशानी हो, एक मुस्कुराहट के साथ सब हल हो जाता है। सुषमा स्वराज जी के चेहरे पर एक विचित्र प्रकार का तेज था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के लिए लोगों के मन पर राज करना इन्हें भली भांति आता था। उन्होंने स्वराज का वास्तविक अर्थ समझाया और इसीलिए वो भारत में पहली विदेश मंत्री जो बनी वो सबकी पसंदीदा रही, क्योंकि वो सिर्फ देश की ही नहीं बल्कि विदेश में फंसे भारतीयों की भी मदद करती थी। हामिद हो या गीता, जिन्हें पाकिस्तान की जेलों से छुड़वाया गया था, ये सब कुछ सुषमा स्वराज की कोशिशों के कारण ही हुआ। सुषमा स्वराज को लेकर एक समय पर ये कहा जाने लगा था कि न तो उनसे पहले ऐसा विदेश मंत्री हुआ है, ना ही आगे कभी होगा, जिसे न सिर्फ सरकार के समर्थक बल्कि विपक्ष के लोग भी पसंद करते हैं।